सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन मूवमेंट के मिसलिनियस क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से ही है. सब कुछ एनसीईआरटी से रहेगा, कुछ कुछ बाहर के हो सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइप ऑफ मूवमेंट सीन इन ह्यूमन बॉडी इंक्लूड्स. ह्यूमन बॉडीज में कौन कौन से मूवमेंट्स हम देखने को मिल सकते हैं? हमको अमीबॉइड, सीलियरी, फ्लैजुलर, मस्कुलर. तो इसमें से अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलते हैं. फ्लैजुलर मूवमेंट ह्यूमन्स में नहीं होता. आंसर आ जाएगा ए, बी, डी. ओके, फ्लैजुलर मूवमेंट फ्लैजुला में होते हैं. सीलरी मूवमेंट्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? लंग्स में, मतलब ट्रखिया में. अमीबॉइड मूवमेंट्स सेल्स, और मस्कुलर मूवमेंट जैसे कि लिम्स, टंग, ये सब कुछ है. ठीक है, विच मसल एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेशन एंड आर इनवॉलेंट्री. ठीक है, इनवॉलेंट्री भी है और स्ट्रेटेड भी है. ऐसे सिर्फ हार्ट के मसल्स होते हैं. ठीक है, इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटेड हार्ट के मसल्स. इनवॉलेंट्री और स्मूथ, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, हॉलो ऑर्गन्स में, और स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स जैसे कि लिम्स के मसल्स है. वॉट इज़ द डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन अ कॉमन कॉज ऑफ. ठीक है, अगर ईस्ट्रोजन कम हो जाए बॉडी में तो कौन सा डिसीज होता है इनडायरेक्टली, ये पूछ रहा है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, नेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है. हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे, हमको नीचे ऑप्शंस भी गिवन है. क्या है स्टेटमेंट? मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्या ये राइट है? हाँ राइट है. मूवमेंट होते हैं, लोकोमोशन प्लांट्स में नहीं होता है लेकिन मूवमेंट तो होता है. स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट. हाँ, प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग हो रही है तो वो भी मूवमेंट है. मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजुला एंड टेंटाकल्स आर शोन बाय यूग्लेना, पैरामोशियम एंड हाइड्रा रेस्पेक्टिवली. नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है. ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉस, आईलिड, टंग्स एंड ईयर पिन एक्सेट्रा. क्या ये मूव कर सकते? नहीं. ठीक है, लिम्स कर सकते, जॉस करते, आईलिड, टंग, ईयर पिन्ना, ये सब कुछ मूवमेंट, ईयर पिन्ना की मूवमेंट ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, खुद से. लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब कुछ. हाँ, ये राइट है, लोकोमोशन इस वजह से होता है. तो आंसर हमारा सी और डी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग थे. द साइटोस्केलेटल एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट. कौन से साइटोस्केलेटल एलिमेंट अमीबॉइड मूवमेंट में इन्वॉल्व है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोफिलामेंट्स. ठीक है, सिर्फ माइक्रोफिलामेंट्स, बाकी माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिबल्स नहीं है इसका आंसर. नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट गिवन बिलो डिफाइंस अ कंसेप्ट दैट इज वाइडली नोन एज स्टडीड. कैन यू रीड द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द कंडीशन दैट करेक्टली डिफाइन द अबव स्टेटमेंट. लोकोमोटिव, अब स्टेटमेंट कौन सा? देखो, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. क्या ये स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड हमको बाकी के स्टेटमेंट पढ़ना है. हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटाकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन. ह्यूमन्स यूज लिम्ब फॉर देयर बॉडी चेंज बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन. राइट है. पैरामोशियम सीलिया एंड हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड एंड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड लोकोमोशन एज वेल. राइट है आंसर. तीनों स्टेटमेंट राइट है, इससे रिलेटेड आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. मैच द कॉलम में देखो. नेक्स्ट, ये कॉलम की मैंने मैच करना है. अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा दिखाएगा ऑब्वियसली, नाम से ए का टू. फ्लैजुलर मूवमेंट कौन दिखाएगा? यूग्लेना, इसके पास फ्लैजुला होता है. मस्कुलर मूवमेंट आईलिड्स दिखाएंगे, और सीलरी मूवमेंट पैरामोशियम. आंसर आपका सी आ जाएगा. ठीक है, एज द एक्टिविटीज ऑफ द विसरल मसल्स आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, दे आर ऑफन टर्म्ड एज. इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में है तो हम वॉलेंट्री बोलेंगे. ठीक है, अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल में है तो, और कंट्रोल में नहीं है तो हम इनवॉलेंट्री बोलेंगे. ठीक है, विच टाइप ऑफ मसल फाइबर आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल में कौन से मसल्स होते हैं? तो देखो, कार्डियक तो हार्ट के पास होते हैं. स्ट्रिप नहीं होते एलिमेंट्री कैनल, हॉलो ऑर्गन्स, इन सब जगह पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स फाइबर. ठीक है, व्हाट डज द ग्लोमेरुलर हेड ऑफ एचएमएम व्हिच इज एन एक्टिव एटीपेस एंजाइम हैज. ठीक है, एचएमएम के पास क्या प्रेजेंट है? तो दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट. याद है, एचएमएम मेरोमायोसिन का हैवी पार्ट हेड. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. स्टेटेड मसल हैव स्ट्रिप अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्रेटेड. हाँ, स्ट्रिप्ड है इसलिए स्ट्रेटेड बोल रहे हैं. ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन अवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिया. नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन इनर वॉल. हाँ, हमने बताया भी हॉलो ऑर्गन्स में होते हैं. स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी. हाँ, ये भी राइट है. आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, वॉट इज द हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्रेन. ब्रेन की कवरिंग, जो हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं, जिसमें 8 बोन्स है. और जो हमारे सामने जो फेस पे होती है उसको बोलते हैं फेशियल बोन्स, जो कि 14 होते हैं. ठीक है, आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द मसल प्रोटीन आइडेंटिफाई द करेक्ट वन. तो हम स्टेटमेंट देखते हैं. एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट एंड मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन्स.
राइट दिख रहा है. कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द डबल ट्रोपोनिन, नहीं उल्टा होना चाहिए, ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट विच इज ऑल्सो पॉलीमराइज प्रोटीन. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. ग्लोमेरुलर हेड ऑफ मेरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ लाइट मेरोमायोसिन, नहीं हेड हैवी होते हैं. मतलब 1 और 3 जो स्टेटमेंट हमारे राइट है, 4th और 2nd स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब इसमें हमको इनकरेक्ट बताना है. मसल ऑफ हैंड एंड लेंस वॉलेंट्री, हाँ स्टेटेड वॉलेंट्री होते हैं. मसल लोकेटेड इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स अनस्टेटेड इनवॉलेंट्री, मतलब स्मूथ और इनवॉलेंट्री राइट है. हार्ट मसल्स आर स्टेटेड इनवॉलेंट्री, हार्ट मसल स्टेटेड इनवॉलेंट्री होते हैं, हाँ. ओके, द मसल लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री. तो एलिमेंट्री कैनाल के इनर वॉल में स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री ऐसे नहीं रहते, इनवॉलेंट्री रहते बट स्मूथ मसल्स रहते. तो यहाँ पे आंसर डी वाला रॉन्ग हो जाएगा. अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द डैश इज फाउंड इन द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला. तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्यू सेंटेंस आर गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स. हमको ब्लैंक फिल करना है. अ लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड एज आई, हाँ आई बैंड बोलते हैं. ठीक है, द थिक फिलामेंट इज द आई और आइसोट्रॉपिक. ठीक है, तो अनआइसोट्रॉपिक हम ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, इन तीनों में से हो सकता है. देखो, अब द थिक फिलामेंट इज द डैश बैंड आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश लाइन. थिक फिलामेंट क्या बोलेंगे हम, ए वाला बैंड है तो ए किधर आ रहा है, इधर और इधर. ठीक है, दो जगह पे, मतलब ये भी कैंसिल कर देंगे. ठीक है, थर्ड एम लाइन होती है बीच में, इन द सेंटर ऑफ आई बैंड के बीच में जेड लाइन होती है, मतलब 4 का जेड आना चाहिए. तो 4 का यहाँ पे ए आ रहा है, सॉरी 4 का यहाँ पे जेड आ रहा है, यहाँ पे भी जेड आ रहा है. ठीक है, और लास्ट देखेंगे द सेंट्रल पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप विद द थिन फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं, उसको एज जोन बोलते हैं. आपका आंसर बी हो जाएगा. वॉट इज द स्पाइन ऑफ अ स्कैपुला प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपांड प्रोसेस. तो वहाँ पे जो प्रोसेस बनती है उसको बोलते हैं एक्रोमिन प्रोसेस. ठीक है, कहाँ पे, पेक्टोरल गर्डल के पास. ठीक है, व्हाट डज द एक्रोमिन प्रोसेस आर्टिकुलेट विद, कॉलर बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है, कॉलर बोन को क्लेविकल बोलते हैं. ओके, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ईच एक्टिन और थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2G और ग्लोबुलर एक्टिन हेलिकली वाउंड टू ईच अदर. क्या ये राइट है, नहीं ये रॉन्ग है. ओके, हमको कौन से रॉन्ग ये बताने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे. ईच जी एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक एफ फिलामेंट इज एक्टिन, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोनिन ऑल्सो रन क्लोज टू इफेक्टिन, नहीं ये रॉन्ग है, सी वाला भी रॉन्ग है. इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट एंड ईच मेरोमायोसिन हैज टू पार्ट HMM and LMM. तो ये दो स्टेटमेंट राइट है, ए बी सी रॉन्ग है. ऑप्शन में ए बी सी तो नहीं कहीं लिखा था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ए बी सी को हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. वेयर इज द एटीपेस एंजाइम ऑफ द मसल लोकेटेड. एटीपेस एंजाइम कहाँ पे है, मायोसिन में होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैसोकॉलम है कार्टिलेजियस जॉइंट जिसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है, फाइब्रस जॉइंट जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है, सिनोवियल जॉइंट जिसमें अच्छी खासी कंसिडरेबल मूवमेंट हो जाती है. ठीक है, आंसर हो जाएगा डी आपका. व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्टीब्रे प्रेजेंट इन द थोरासिक सर्विकल लंबार सैक्रल कॉक्स NCRT लाइन. थोरासिक 12 होते हैं, सर्विकल 7, लंबार 5, सैक्रल 1 एंड कॉक्स 1. ठीक है, ओके, यहाँ पे लेबल्ड वाला है, ये आप देख लो, ये हम सॉल्व नहीं कराएंगे, सीधा नेक्स्ट पे चले जाएंगे. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट, डायग्राम देख लिया, अब स्टेटमेंट्स देख लो. ठीक है, आंसर आपका डी आ गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद अ मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर एंड प्लेट, एंड हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय CNS वाया सेंसरी न्यूरॉन्स. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग द थिक फिलामेंट ओवर थिन फिलामेंट. सभी स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, सभी स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, व्हाट इज द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर. तो इनके जंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इसको मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि न्यूरॉन्स और मसल के बीच का जंक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोल सकते हैं, मोटर एंड प्लेट भी बोल सकते हैं. आंसर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोनों बताने हैं. ए बैंड ऑफ अ मसल आर डार्क एंड कंटेन मायोसिन, बिल्कुल राइट है. आई बैंड लाइट एंड कंटेन एक्टिन, बिल्कुल राइट है. 1 और 2 राइट. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब थर्ड रॉन्ग. द पार्ट बिटवीन द 2 जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेर, राइट. द सेंट्रल गैप ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप विद थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन. सो एक मिनट, ये वाला क्या लिखा है, देखो, थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय मायोसिन फिलामेंट. ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी वाला. 1, 2 और 4 आर राइट एंड 3 और 5 आर रॉन्ग स्टेटमेंट. द एक्शन पोटेंशियल इन डैश जनरेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल रीचिंग द NMJ रिलीज अ न्यूरल ट्रांसमीटर एसिटोकोलिन. इसका आंसर हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा.
द स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वेयर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी यूज हो रही है तो ब्रेकिंग में होगी क्रॉस ब्रिज के या मेकिंग में होगी, तो मेकिंग में होगी मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, इसमें एनर्जी का यूज़ होता है. ठीक है, मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन. ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, और मिस्थेनिया ग्रेविस है ऑटो इम्यून. अब जेनेटिक डिसऑर्डर जीन्स में होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून है, इसका मतलब क्या होता है कि इम्यूनिटी मतलब बॉडी को ये समझ में नहीं आता कि इनके खुद के सेल्स हैं, उनको लगता है कि फॉरेन सेल्स है. ठीक है, खुद के सेल्स नहीं है, इसलिए वो खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. उसमें वो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो मिस्थेनिया ग्रेविस है. ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, ये क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने पर होता है. टेटनी बाइल कॉन्ट्रैक्शन में, और गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है जॉइंट पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हमको बताने करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन कौन से करेक्ट है. एक्सेसिव एक्सरसाइज रिजल्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फॉर्म्स लैक्टिक एसिड, बिल्कुल राइट है. द एज पर द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, द फिलामेंट दैट मूव्स टू शॉर्टन द मसल इज एक्टिन. हाँ राइट, एक्टिन ही होता है. द मसल प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन इज स्ट्रेटेड मसल्स. हाँ, लोकोमोशन में जो इन्वॉल्व होता है, हमारे जो लिम्स में, हमारे पैरों में जो मसल्स है, ठीक है, वो कैसे स्ट्रेटेड मसल्स है. तो राइट आंसर तीनों स्टेटमेंट 94 हो जाएगा. ठीक है, अब हमको चार स्टेटमेंट पढ़ना है यहाँ पे और इनकरेक्ट बताना है. चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं. देखो पहला क्या है, ईच थिक फिलामेंट इज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन ऑफ अ मोनोमरिक मेरामायोसिन. राइट, थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन, किससे बना है, मेरामायोसिन से. बिल्कुल राइट है. ईच मेरामायोसिन हैज टू कंपोनेंट, टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, अ ग्लोमेरुलर हेड एंड अ शॉर्ट विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल. बिल्कुल राइट है, दो पार्ट्स होते हैं. सो सी वाला देखो, हैवी मेरामायोसिन कंपोनेंट्स फॉर्म द क्रॉस आर्म्स ऑफ थिक फिलामेंट. बिल्कुल राइट है. शॉर्ट आर्म ऑफ लाइट मेरामायोसिन हैज एक्टिविटी पेस. नहीं, शॉर्ट आर्म में नहीं होता है. ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट में. इन स्ट्रिप्ड मसल्स क्रॉस ब्रिज रैपिड डिसोसिएट विद एटीपी अटैक टू मायोसिन हेड. इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एटीपी अटैक टू मायोसिन हेड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, वॉट कुड बी द करेक्ट सिक्वेंस. ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को सिक्वेंस बताना. सबसे पहले क्या होगा, एसिटोकोलिन रिलीज होगा. ठीक है, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर है. उसके बाद क्या रिलीज होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और क्रॉस ब्रिज बनेगा. मतलब क्रॉस ब्रिज बनने के लिए किसका यूज हो रहा है, एटीपी का. ठीक है, और उसके बाद स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर ईच अदर, स्लाइडिंग होगी एक्टिन फिलामेंट की. आंसर हो जाएगा डी. इन द थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर अ स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन दैट मार्क्स द एक्टिव साइट ऑन द एफ एक्टिन इज. ठीक है, स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन जो मार्क कर रही है एक्टिव साइट ऑफ एफ एक्टिन, क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका ट्रोपोनिन जो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होता है. ठीक है, मैच द कॉलम्स देखना है. ट्रू रिब्स मतलब जो अटैच है सामने से पीछे से, मतलब वेंट्रली डॉर्सली दोनों तरीके से, वेंट्रली स्टर्नम से और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से. तो ए का 3 हो जाएगा. फॉल्स रिब जो वर्टिब्रल कॉलम से सामने से पीछे से अटैच है, और जो वेंट्रली है वो 7th रिब को अटैच है, और फ्लोटिंग जो वेंट्रली अटैच ही नहीं है. तो आंसर का क्या आएगा, ए का 3, सी का 1, सॉरी बी का 1 एंड सी का 2. आंसर इज बी. नेक्स्ट, द सेंट्रल हॉलो पोर्शन ऑफ वर्टिब्रा थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस हॉलो पोर्शन को, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है इसलिए कैनल बोलेंगे जो हॉलो है इसलिए, और स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है इसलिए न्यूरल कैनल. ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हायोड इज अ प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ द बकल कैविटी एंड इंक्लूड इन अ स्टमक, सॉरी इंक्लूड इन अ स्कल. नहीं नहीं, रूफ पे नहीं होती है, बेस पे होती है. तो आंसर ए तो रॉन्ग है. द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपेरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स. हाँ बिल्कुल, दो होते हैं इसलिए डाइकॉन्डेलिक बोलते हैं स्कल को. फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस विच आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल. नहीं, एटलास होता है पहला वर्टिब्रा. स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द डॉर्सल मिडलाइन. नहीं, डॉर्सल नहीं, वेंट्रल होती है, और वर्टिब्रल कॉलम से डॉर्सली पे, हम वेंट्रल कॉलम डॉर्सली होता है. मतलब ए सी डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है. नेक्स्ट देखो, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक. मेन फ्रेमवर्क जो ट्रंक का कौन बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम बनाता है. ठीक है, सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन डैश एंड हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन दैट. और सैडल जो होता है वो आपका कार्पल और मेटाकार्पल होता है थंब के बीच में. ठीक है, वो याद रखना है. ठीक है, कार्पल और मेटाकार्पल थंब, और जो हिंज जॉइंट है वो नी जॉइंट में होता है, और आपका जो एल्बो जॉइंट है वहाँ पे भी हिंज होता है. ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम्स आर. वर्टिब्रल कॉलम के क्या क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, प्रोटेक्ट द हेड, सॉरी सपोर्ट द हेड, हाँ,
पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स ये भी राइट है, सर्व पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मस्कुलेचर ऑफ बैक ये भी राइट है। सभी फंक्शन से आंसर हो जाएगा ए बी सी डी बी वाला। एल्बो नी फिंगर जॉइंट टो जॉइंट एंकल आर गुड एग्जाम्पल ऑफ हैंड जॉइंट, हमने ऊपर देखी ठीक है। ये सब जो है एल्बो नी फिंगर जॉइंट, जो फिंगर है ऐसे फिंगर जॉइंट्स ठीक है, और जो टो जॉइंट्स है एंकल्स है ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है हिंज के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉइंट्स इज इनकरेक्ट ठीक है। शोल्डर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद अ साइनोवियल फ्लूइड, ये तो राइट है। फाइबरस जॉइंट डू नॉट परमिट एनी मूवमेंट, हाँ जो स्कल में होते हैं कोई मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेज जॉइंट अलाउ कंसिडरेबल फ्री मूवमेंट, नहीं कंसिडरेबल मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट में होती है, कार्टिलेज में जस्ट लिमिटेड मूवमेंट होती है ठीक है। तो डी सी आंसर हो जाएगा, डी वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इज प्रेजेंट विद कार्टेबल कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, राइट है। नेक्स्ट देखो, स्केलेटल मसल्स कम अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मसल टिश्यू फॉर मैमल्स फॉर द एनिमल्स, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स, तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहे। दे आर क्लोजली अटैच टू द बोन्स, दीज आर इनवॉलेंट्री इन एक्टिविटी, दे आर टिपिकली फाउंड विद द ब्लड वेसल्स, सेवरल मसल फाइबर इनक्लोज बाय द शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, किसके बारे में लिखा है स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो इसमें से दो स्टेटमेंट ही राइट है, कौन से दो ठीक है। पहले तो क्लोज अटैच टू बोन ये वाला स्टेटमेंट ये रॉन्ग है ठीक है, ब्लड वेसल्स में होते हैं ये रॉन्ग है, ये राइट है ठीक है। तो आंसर हमारे पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट, जॉइंट्स विच आर फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस कनेक्टिव डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू इज रिफर टू एस ठीक है, एंड टू एंड इसको बोलते हैं सूचर्स ठीक है। नेक्स्ट, विच फाइबरस टिश्यू से मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सूचर्स, देखो ब्रेन के जो ऊपर की कवरिंग है क्रेनियम वहाँ पे ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट परमिट्स ओनली लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट कौन प्रोवाइड करते हैं, स्कल बोन्स बिल्कुल मूवमेंट नहीं, और नी जॉइंट और ह्यूमरल पेक्टोरल गर्डल कंसिडरेबल मूवमेंट मतलब अच्छी खासी मूवमेंट करने देते हैं। जो एडजेसेंट वर्टिब्रा है वो लिमिटेड मूवमेंट करते हैं, जो कार्टिलेजनस जॉइंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट, कार्टिलेजनस जॉइंट। बस पांच क्वेश्चंस बचे हैं अभी, फिर ये हो जाएगा इसका भी ठीक है, लोकोमोशन मूवमेंट का। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियो लाइक दिस, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि और कौन से वीडियोस चाहिए। ओके, क्वेश्चन क्या देखो, द पायवॉइडल एंड ग्लाइडिंग जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ कहाँ होते हैं। तो पायवॉइड जॉइंट होता है एटलास एक्सिस में ओके, और ग्लाइडिंग होता है कार्पल्स में, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स में, सिर्फ कार्पल्स। तो आंसर ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर द एरोबिक मसल्स, देखो सच मसल कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं, हाँ सच मसल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ एंड रेड कलर के होते हैं, ये भी राइट है। आंसर ऑल ऑफ दी हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट क्या है। तो ए क्या है, एक इलास्टिक फाइबर है जो आई बैंड को बाइसेक कर रहा है, हाँ। और बी क्या है, विड्थ ऑफ दिस बैंड रिड्यूस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, बी वाली मतलब बी जो है वो आई है और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे उसकी लेंथ कम होती है। तो आंसर आपका देखो ऑप्शन में आपका आंसर ए आ जाएगा ठीक है। वॉट डज हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ, एज ईच गर्डल इज फॉर्म ऑफ टू हाफ्स ठीक है। पेक्टोरल गर्डल मतलब जो शोल्डर के पास का जो गर्डल है ठीक है, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ ईच गर्डल इज फॉर्म ऑफ टू हाफ्स ठीक है। दो बोन से बना होता है, एक साइड का बात कर कर एक हाफ की, तो दो बोन्स है स्कैपुला क्लेविकल, एक स्कैपुला एक क्लेविकल, दूसरे साइड भी एक स्कैपुला एक क्लेविकल, तो पूरे बॉडी में दो स्कैपुला और दो क्लेविकल होंगे ठीक है। चूज द हिंज जॉइंट फ्रॉम द गिवन एग्जांपल ऑफ, ओके हिंज बताना है हमको, हमने भी देखे कौन कौन से होते हैं। एल्टरनो एक्सियल नहीं है मतलब एटलास और एक्सियल, इसको क्या बोलते हैं पाइवॉइड जॉइंट, तो ये तो नहीं होगा। एल्बो जॉइंट हाँ हिंज है। इंटरफेरेंजियल जॉइंट मतलब ये फिंगर वाले जॉइंट, ये वाले फेरेंजेस के बीच में, फेरेंजेस के बीच में हाँ ये भी है। फर्स्ट मेटाकार्पो जॉइंट ये नहीं है। नी जॉइंट हाँ, प्यूबिस इम्फेसिस नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा डी ठीक है। यहाँ पे हमने 18 to 19 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।